नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और यूपी की खबरों पर। एस्केप चैनल का आदेश निरस्त करने के निर्णय पर हरदा ने दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा को एस्केप चैनल बनाए जाने के आदेश को निरस्त करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आखिरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमारी सरकार के गंगा संबंधी निर्णय को बदलने का आदेश जारी कर दिया है। मैं इसके लिए गंगा सभा को भी बधाई देता हूं। अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात करेगा अखाड़ा परिषद। बैरागी अखाड़ों की समस्या रखेंगे उनके सामने। बैरागी कैंप क्षेत्र में बैरागी अखाड़ों की समस्या और मांग को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जल्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह से मुलाकात करेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि बैरागी कैंप में इस बार के कुंभ में 2010 कुंभ की तरह ही व्यवस्थाएं की जाएंगी। अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक सरकार के खिलाफ देंगे धरना। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा संघ सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की अनुदान राशि को जारी रखने की मांग को लेकर संघर्षरत है। वर्तमान में 18 अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी राज्य सरकार के द्वारा लाए गए अम्ब्रेला विधेयक के प्राविधानों को लेकर विगत कई माह से विरोध कर रहे हैं। दून के विभिन्न मंदिरों से निकाली गई कार्तिक मास की प्रभात फेरी, भजन सुनकर भक्त हुए मंत्रमुग्ध। कार्तिक मास की प्रभात फेरी दून के मंदिरों से विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई। श्याम सुंदर मंदिर पटेल नगर की ओर से कार्तिक मास की प्रभात फेरी पुरानी चुंगी सहारनपुर रोड यानी पूर्वी पटेल नगर रामलीला मैदान से वापस मंदिर तक निकाली गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ पर हुए पुल हादसे में निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर घूलर के समीप हुए पुल हादसे में मामले में पुलिस ने निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ लापरवाही बरतने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार देर शाम घूलर के समीप निर्माणाधीन 2 लेन पुल ढह गया था, जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई थी जबकि 13 श्रमिक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं आकांक्षा थापा आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले याद रखें, प्लास्टिक पर्यावरण में घुलने के लिए 10 से 1000 साल तक ले सकता है, इसलिए प्लास्टिक का सोच समझ कर उपयोग करें, खास तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। धन्यवाद।